दोस्तों, प्रकृति ने प्रत्येक जीवधारियों के लिए अमूल्य उपहार दिए हैं। हम सबका ये कर्तव्य है कि उस प्रकृति का आदर करते हुए हम उनके उपहारों का लाभ उठाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। ये बहुत ज़रूरी है। हम प्रायः बागों में खिलते हुए फूल, फल और झूमते हुए वृक्षों को जब देखते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसे में हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम प्रकृति की रक्षा करें। इनके द्वारा प्रदत्त जो धरोहर है, जो उन धरोहरों की हम रक्षा करें और इनकी सेवा करें। दोस्तों, प्रकृति के इसी अमूल्य उपहारों में से एक है चंपा। चंपा का वृक्ष जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, जिसके फूल निहायत खूबसूरत होते हैं, जिनकी सुगंध बहुत ही अच्छी होती है। दोस्तों, एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि चंपा को अंग्रेजी में प्लूमेरिया कहते हैं। चंपा के खूबसूरत मंद सुगंधित हल्के सफ़ेद पीले फूल होते हैं। चंपा मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, सोन चंपा, नाग चंपा, कनक चंपा, सुल्तान चंपा और कटहरी चंपा। इस तरह की चंपा ये एक से एक खूबसूरत इनकी प्रजातियां हैं और इनकी सुगंध के तो क्या कहने। चंपा में पराग नहीं होता है, इस खूबसूरत फूल में पराग नहीं होता है, इसलिए इनके पुष्प पर मधुमक्खियां नहीं आती और कहा जाता है कि भौंरे भी शायद इसी कारण नहीं आते हैं। चंपा का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। चंपा के फूल अक्सर पूजा में प्रयोग किए जाते हैं। चंपा का वृक्ष मंदिर परिसर आश्रम के वातावरण को शुद्ध करने के लिए लगाया जाता है। चंपा के वृक्षों का उपयोग घर, पार्क, पार्किंग स्थल, सजावटी पौधे के रूप में किया जाता है। दोस्तों, देवी माँ ललिता अंबिका के चरणों में भी चंपा के फूल को अन्य फूल जैसे अशोक पुन्नान के साथ सजाया जाता है। चंपा का वृक्ष वास्तु की दृष्टि से सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। चंपा को कामदेव के 5 फूलों में से एक फूलों में इस स्तर पर गिना जाता है कि यह फूल कामदेव को बहुत पसंद है। आज मैं जो चर्चा करूंगा, इसी संदर्भ में चर्चा करूंगा कि चंपा का फूल कामदेव को क्यों इतना पसंद है। ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मित्रों, आपने सुना होगा कि चंपा के फूलों से इत्र बनाया जाता है। यह औषधि के भी काम आता है कि इससे औषधि जो है बनती है। विभिन्न प्रकार की औषधियाँ होती हैं और विभिन्न रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन आज बात सिर्फ इस बात पे कि चंपा का फूल कामदेव को जो पसंद 5 तरह के फूल हैं, उनमें से एक चंपा भी है जिसे कामदेव बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों, चंपा के फूल में एक जो महक उससे निकलती है, चंपा के फूल से जो महक निकलती है, उसमें एक विशेष प्रकार की मादकता होती है जिससे कामोत्तेजना उत्पन्न होती है और इसीलिए लोगों की धारणा है कि चंपा के फूल से। तो दोस्तों, ये रही जानकारी कि चंपा का फूल कामदेव को क्यों पसंद है। हम ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियाँ लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे और वो जानकारियाँ हमारे प्रकृति से संबंधित ही होगी। हम अपने पेड़ पौधे की बात करेंगे, हम अपने फूलों की बात करेंगे, हम अपने फलों की बात करेंगे। दोस्तों, एक बार फिर निवेदन कि ये मेरा नया चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो
आज्ञा दीजिए अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को, फिर मिलेंगे। नमस्कार।